नमस्कार, वेलकम, अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो योगी में। जाने बिजनेस में आज कैसा रहेगा आपका दिन, जाने हेल्थ में कैसा रहेगा हाल, नौकरी और करियर को लेकर आज किसे मिल सकती है खुशखबरी, पार्टनर के साथ आज कैसा बीतेगा आपका दिन। इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अब जानते हैं 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार मास कार्तिक है, पक्ष शुक्ल पक्ष है और ऋतु हेमंत ऋतु है। आज त्रयोदशी तिथि शाम 5:22 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 तक रहेगा, इसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग वरियान योग रात 3:53 तक रहेगा, इसके बाद पारिक योग लग जाएगा। आज चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय 6:51 तक होगा, चंद्रोदय दोपहर 3:51 तक होगा। आज अभिजीत मुहूर्त 11:47 से लेकर 12:29 तक रहेगा। आज राहु काल 9:30 से शुरू होकर 10:39 तक रहेगा। आज वैकुंठ चतुर्दशी विश्वेश्वर व्रत है। जानते हैं 25 नवंबर का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। प्रिय मेष राशि के जातक, चंद्रमा आज मेष राशि में है। आप में से कुछ इस गोचर के परिणाम स्वरूप अपनी आकांक्षाओं के बारे में स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। अब उस मार्ग के बारे में उलझन में नहीं पड़ेंगे आप जिस पर आपको चलना है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि यह आपके लिए अभी किसी भी कार्य को पूरा करने का एक शानदार पल है। आप हवा को साफ करने और अपने कार्यों के माध्यम से फिर से शुरू करने का मौका भी पा सकते हैं। इस अनुकूल अवधि का लाभ उठाएं और इसका भरपूर फायदा उठाएं। लव लाइफ के मामले में आज का दिन आपके लिए आनंद से भरा है। आप अपने करीबी लोगों के साथ यादगार पल बिताएंगे। अपने दिमाग को बोझिल करने वाले सभी कामों को भूलकर दोस्तों के साथ मौज मस्ती कीजिए। करियर की बात की जाए तो आज ऑफिस में आपको अपना ध्यान अपने काम पर ही केंद्रित रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके आसपास बहुत से व्यवधान हैं। इन परेशानियों से आपके काम में रुकावट भी आ सकती है, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश करें। यदि आपको किसी ज़मीन या संपत्ति खरीदने में विवाद का सामना करना पड़ रहा है तो आप देखेंगे कि अचानक इन समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। आपके परिश्रम से शुरुआती दौर में होने वाली बाधाएं दूर हो चुकी हैं तथा अब आप अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। हेल्थ की बात की जाए तो आपको साधना के लाभ सुनकर आश्चर्य होगा। आज आप अपने दिमाग को शांति दे सकते हैं, क्योंकि ये उपयुक्त समय है। नीला रंग आज आपका शुभ रंग रहेगा। शाम 5:00 से 7:00 का समय आपके लिए शुभ है। धन्यवाद। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। प्रिय वृषभ राशि के जातक, मेष राशि में चंद्रमा आपके व्यवहार में एक प्रकार की बेचैनी का संकेत देता है। आप निराशा के मूड में हो सकते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी सलाह देते हैं कि किसी विशेष के लिए कुछ योजना बनाते समय हद से आगे ना बढ़ें, क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपकी योजना विफल हो जाएगी और आपके प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सब कुछ सहजता से ले और आगे बढ़ें, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। लव लाइफ के मामले में आज आप सभी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर पाएंगे। जहाँ जहाँ आप जाएंगे लोगों के विशेष आकर्षण का कारण बन जाएंगे। अपनी इस खूबी को यूं ही व्यर्थ में ना गंवाएं। आपको जिंदगी बहुत अच्छा मौका दे रही है अपनी जिंदगी को प्यार से सराबोर करने का। आज ऑफिस में आपको दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपके आसपास के लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आर्थिक मामले में आज का दिन तो ऐसा है जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कमाई से ज़्यादा आज खर्चे के संकेत हैं, इसलिए गैर जरूरी चीज़ों को खरीदने से बचें, अपनी जेब को थोड़ा तंग करके चलें। इस तरह से आप खर्चों को दूर कर पाएंगे और खर्चों के बोझ से बच पाएंगे। हेल्थ के मामले में आपको आज ये ध्यान रखना है कि शराब पीकर सबसे पहले तो वाहन नहीं चलाना है।
दोनों काम एक साथ करने से आपको पछताना पड़ सकता है। आज सड़क दुर्घटना होने की संभावना है। शाम 6 बजे से 8:30 बजे का समय आपके लिए शुभ है। एमरल्ड ग्रीन कलर आपके लिए लकी है। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की। मेष राशि में चंद्रमा का गोचर आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। आप पूरे दिन अच्छा महसूस कर सकते हैं। आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करें। पारिवारिक मिलन दिलचस्प होगा। भाई बहनों के साथ संबंध बनाने के लिए एक अच्छा दिन होगा। आपके व आपके साथी के रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको दूसरों को नहीं आने देना चाहिए। जैसे आप किसी को भी अपनी रिलेशनशिप में हस्तक्षेप ना करने दें। अपने संबंध को बाहरी नकारात्मक ताकतों से बचाएं। करियर के मामले में हो सकता है आपका ध्यान आपके काम से हटकर किसी बेकार की बात में लग जाए। इससे आपको 2 नुकसान हो सकते हैं। एक तो कि आपका काम समय पर नहीं हो पाएगा, खराब होगा, और दूसरा कि आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान काम से भटक जाएगा। आर्थिक मामले में ज़मीन जायदाद बेचने के लिए ये एक शुभ दिन है, इसलिए अगर आप कोई ज़मीन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए लाभकारी है। हेल्थ के मामले में आज सोने से पहले थोड़ी साधना करें ताकि आपके दिमाग को आराम मिले। आपके पास बहुत कुछ सोचने को है जिससे आपकी रातें भी आरामदायक नहीं रह पाती हैं। आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवरथिंकिंग अवॉइड करनी है। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी के अनुसार 3:20 से 4:30 बजे के बीच का समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। गुलाबी रंग आज लकी रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या खास है आज। वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति आपको ऐसा महसूस करा सकती है कि आपको प्रतिबंधित किया जा रहा है और जीवन में कुछ चीजें आपको रोक रही हैं। हो सकता है कि आपको नई ऊर्जा और तरोताज़ा महसूस करने के लिए कुछ मनोरंजन की आवश्यकता हो। दूसरी ओर ये भी महत्वपूर्ण है कि आप किसी प्रियजन के साथ किसी भी व्यक्तिगत समस्या को बहुत अधिक चतुराई और कूटनीति का उपयोग करके संभाल लें। चुनाव आपका है, क्योंकि आप या तो उन्हें स्वीकार करने और समझने का विकल्प चुन सकते हैं या बस चीज़ों को ऐसी ही पड़ी रहने दे सकते हैं। आपको जीवन में छोटी छोटी समस्याओं के बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहिए और आराम करना चाहिए। लव लाइफ में आज आप जोखिम उठा सकते हैं। आप अपने रोमांटिक संबंधों में काफी सोच विचार कर कदम उठाते हैं, किंतु आज अपने दिल की बात सुनकर काम करें। यदि आप किसी की ओर आकर्षित हैं तो जरूर बताएं उसे, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर करें। कार्य क्षेत्र में आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित रखना होगा। अपनी जिंदा दिली से आप अपनी सभी परेशानियों को आसानी से हल कर लेंगे। यदि आप अपनी किसी संपत्ति को लंबे समय से बेचना चाह रहे हैं तो आपको आज का दिन जरूर चुनना चाहिए। अगर आपका किसी संपत्ति पर विवाद चल रहा है तो आज के दिन सभी विवादों का निपटारा हो जाएगा। ये समय आपके लिए लाभकारी सुनहरा बदलाव बनकर आएगा। फिर भी लेन देन की इस प्रक्रिया के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, क्योंकि ये पूर्ण होने में समय लेती हैं। आज आपके दिमाग को बहुत शांति प्रदान करने का दिन है। अपने दिमाग पर जोर ना डालें, लंबी सांसें लें और थोड़ा व्यायाम करें। 10 बजे से 11:30 बजे तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जरूरी काम इसी समय पर आप करिए। नीला रंग आज आपके लिए शुभ रंग रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। प्रिय सिंह राशि के जातक, चंद्रमा मेष राशि में मौजूद है और इसी कारण से आप अपने कार्यालय और काम से संबंधित मामलों में मोटिवेटेड महसूस करेंगे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों द्वारा सुझाए गए आपके लिए रास्ते में कुछ काम से संबंधित यात्रा हो सकती है। ये यात्रा एक दिन या उससे भी अधिक के लिए हो सकती है और आपको अपने घर से दूर कुछ समय देगी। आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे आप नहीं भटकेंगे, क्योंकि आप प्रोफेशनल रूप से उन पर काम कर रहे होंगे। लव लाइफ के मामले में छात्रों को अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने में कठिनाई होगी। आज कोई ना कोई आपको प्यार का संदेश भेज रहा है। इस समय पढ़ाई सबसे जरूरी है और आपको अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना है। परीक्षा के बाद ही संदेशों पर ध्यान दें।
बात करते हैं आपके करियर की। आज आप काम के बढ़ते बोझ से परेशानी सी महसूस करेंगे। दूसरी ओर अपनी ऊर्जा शक्ति के बल पर आप काम के बढ़ते हुए बोझ को आसानी से वहन कर लेंगे। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। आर्थिक मामले में जमीन जायदाद में बड़ा लाभ आपको आज होगा। अगर आप कोई सौदा तय होने का इंतजार में हैं तो आपके लिए यही सही समय है। इस समय आपके सितारे बुलंदियों पर हैं और आपको शीघ्र ही निश्चित रूप से कोई बड़ा लाभ होने वाला है। हेल्थ के मामले में आज आप ध्यान की कला सीखना चाहेंगे और कम से कम श्वास और शांत होने की क्रिया करने पर ध्यान देंगे। इससे आपके मस्तिष्क को शांति मिलेगी। आज आप केंद्रित होकर व्यायाम करें तभी आपका मूड और ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी। दोपहर 3:30 बजे से 4:45 का समय आपके लिए अच्छा समय है और आपके लिए नींबू पीला कलर लकी है। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक मेष राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज का दिन आपके लिए एक शानदार दिन होने वाला है। आप जीवन के बारे में सकारात्मक तरीके से सोच सकते हैं। आप अपने कामकाजी जीवन, रोमांटिक जीवन और पारिवारिक जीवन से संतुष्ट हैं। दोस्तों और परिवार के बीच खुशी फैलाने के लिए इन भावनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। लव लाइफ के मामले में आज आप अपने को काम व संबंध की कश्मकश में फंसा पाएंगे। अपने साथी को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। व्यक्तिगत व व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता के लिए अपने साथी पर आज ज्यादा ध्यान दीजिए। कार्य क्षेत्र में सरकारी महकमे से संबंधित कामों के लिए समय शुभ है। आप अपने सभी काम बिना ज्यादा परेशानी के आसानी से पूरा कर लेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं आज का दिन उनके लिए भी शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो अगर आप जमीन जायदाद से जुड़े किसी सरकारी मामले में फंसे हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ समाचार प्राप्त करवाएगा। आज आपको किसी लंबे अरसे से चले आ रहे विवाद से छुटकारा मिलेगा। इस सफलता से आपको निश्चित रूप से शांति मिलेगी, परंतु आप इसे पूर्ण जीत ना समझें और तब तक प्रयत्न करते रहें जब तक कि ये मसला पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए। हेल्थ की बात की जाए तो आज आप अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। किसी की सलाह अनुसार योग और ध्यान करें ताकि आपको तनाव से छुटकारा मिले और मांसपेशियां भी ठीक रहें। आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी और दिमाग को शांति मिलेगी। 4:30 से 6:30 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी होगा। मरून पहनना आपके लिए लकी होगा। धन्यवाद। अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। वृषभ राशि में चंद्रमा की गति से ऊर्जा का सकारात्मक प्रवाह हो सकता है जो आपको प्रेरित और दृढ़ बना सकता है। अपने विचारों को कार्य रूप में बदलने के लिए ये शानदार समय है। अपने संचार कौशल को मजबूत करते हुए अपने विचारों और मत को साझा करें। ये आपको अपने किसी भी मानसिक हित को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि दिन के अंत में आराम महसूस करने के लिए साहसिक और मज़ेदार गतिविधियों में शामिल होने के लिए कुछ समय निकालें। लव लाइफ के मामले में आपके व आपके जीवन साथी के बीच में किसी अन्य के आने के खतरे से सचेत रहें। इस बारे में अपने जीवन साथी से खुलकर बात करें क्योंकि वो अन्य व्यक्ति दिल से आपका भला नहीं चाहता। करियर के बारे में ऑफिस में आज आपको मिला जुला सा दिन लगेगा। आज के दिन आपको इच्छित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। आपको अपने काम को नियंत्रित करके उसको करने की गति पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप लंबे अरसे से किसी पूंजी निवेश के लिए सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बाकी समय से लंबित किसी जमीनी सौदे का निपटारा शीघ्र ही होने वाला है और आपके भाग्य में ये भी लिखा है कि निकट भविष्य में ये लेन देन आपको आर्थिक लाभ पहुंचाएगा। हेल्थ के मामले में आज आप कुछ शांत दिखेंगे परंतु अंदर से आप परेशान हैं। दिमागी तनाव आज ज़्यादा रहेगा, इसलिए आज शांति के लिए दोस्तों और घर वालों के साथ समय बिताएं। आप जल्द ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे। 11:00 बजे से 12:30 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ है। हरा रंग आपके लिए आज लकी नहीं है तो हरे रंग से आपको दूर रहना है, हरे रंग से आपको बचना है। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक वृषभ राशि में चंद्रमा की मौजूदगी का मतलब है कि दोस्त आपकी मदद और मार्गदर्शन के लिए देखेंगे।
चंद्रमा आपको आपकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराता है और आप अपने आंतरिक ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं। ये समय अपनी वफादारी साबित करने का है। आप जो कुछ भी कर सकते हैं करें। अगर आपको अपने रास्ते से दूर हटकर जाकर भी उनकी मदद करनी पड़े तो भी अवश्य करें। आखिरकार आपका रिश्ता हमेशा से यही रहा है, एक दूसरे के साथ रहना। जो लोग आज आपके पास आते हैं उन्हें अच्छी तरह से सोच समझकर परिपक्व और व्यवहारिक सलाह दें। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का कहना है कि विचारों के आदान प्रदान के बाद आप दोनों अच्छा महसूस करेंगे। लव लाइफ के मामले में आज आपको अपना संबंध टूटता प्रतीत होगा, किंतु हालात उतने खराब नहीं जितने की दिखते हैं। अपने साथी की भावनाओं व अपनी इच्छाओं में तालमेल लाकर व कुछ समय देकर परिस्थितियां बेहतर बनाई जा सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आज आपको बहुत ही ध्यान से काम करना होगा। अगर आपने पूरे ध्यान से काम नहीं किया तो आप इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप उस काम को चुन लें जिसे आप सबसे पहले करना चाहते हैं और मन लगाकर करें। आर्थिक स्थिति में ये समय जमीन जायदाद जैसी अचल संपत्तियों पर निवेश के लिए उपयुक्त है। व्यावसायिक तौर पर देखा जाए तो सही मायने में अचल संपत्तियों में पैसा खर्च करना आपके लिए फायदेमंद है। इस समय कोई भी जमीन जायदाद खरीदना आपको भविष्य में अत्यधिक लाभ के अवसर प्रदान करेगा। हेल्थ के मामले में आज आप दिमाग की शांति के लिए जगह ढूंढना चाहते हैं। आप कुछ घंटे अकेले बिताने के बाद संतुलित महसूस करेंगे। आप आज आराम करें, आप फिर से अपनी ऊर्जा पाकर अच्छा अनुभव करेंगे और जीवन की तरफ सकारात्मक नजरिए से देखेंगे। जैतून के हरे रंग में कुछ पहनने से आपको शांति मिल सकती है। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक का समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। धन्यवाद। अगली राशि है धनु राशि। प्रिय धनु राशि के जातक, चंद्रमा के मेष राशि में स्थित होने के कारण आज आपका दिन अच्छा है। यह आपको मन को सकारात्मक महसूस करा सकता है। हालांकि बेचैनी से समस्याओं को दबाने के लिए उत्तरों की तलाश ना करें, वरना आप निराश महसूस करेंगे। आप बहुत कुछ पूरा कर सकते हैं यदि आप अपना दिमाग उस जगह लगाते हैं जिस जगह की एस्ट्रोयोगी के एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। लव लाइफ के मामले में आपका प्रेम संबंध आपकी शक्ति की परीक्षा लेगा। यदि आप लंबे समय से संबंध में हैं तो धैर्यपूर्वक इस कठिन समय का सामना करने की आवश्यकता है। वर्तमान की छोटी छोटी बातों को छोड़कर भविष्य के बारे में सोचें, शीघ्र ही संबंध में सामान्यता आ जाएगी। करियर के मामले में एकाग्रचित्त होकर काम करने से आपको उम्मीद से पहले ही सफलता मिल सकेगी। इससे आपके मार्ग की सभी बाधाएं भी दूर हो सकेंगी। बड़ी बात यह है कि आपका काम ही आपके बारे में सब कुछ बता देगा। यदि आपके मन में अपना मकान बेचने का विचार है तो उसे बाजार में उतार दें। आज ऐसा दिन है जिसमें आप पुराने सौदों को बेच सकते हैं। वे व्यक्ति जो आज अपना मकान बेचते हैं अथवा खरीदते हैं उनके लिए आज का दिन मुनाफा देने वाला रहेगा। हेल्थ के मामले में आज आप शांति ढूंढेंगे। ये शक्ति की भावना आपको आत्मबल प्रदान करेगी जिससे आप दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। आप इसे लगातार करने की कोशिश करें, चाहे कैसा भी समय हो। आपका स्वस्थ दिमाग आपको स्वस्थ शरीर दिलाने में सहायक रहेगा। सफ़ेद रंग पहने जो कि शांति और शांत करने की ओर आकर्षित करेगा। ज़्यादा अच्छे परिणामों के लिए 4 बजे से 6 बजे के बीच कुछ महत्वपूर्ण कार्य जरूर करें। धन्यवाद। अब बारी है मकर राशि वालों की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, चंद्रमा का मेष में गोचर आज आपको सामाजिकता और तुच्छता से भरे कुछ हाल के दिनों से दूर करेगा। आज आराम करने के लिए समय निकालें और अपने घर और अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करें। आपने उत्सवों और हंसी मजाक का लुत्फ उठाया है, लेकिन आपको कुछ जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। अपने प्रेम संबंध की सही दशा जानने का समय आ गया है। आपका साथी आपसे खुश ना होने के कारण आप पर से अपना ध्यान हटा रहा है। इस विषय में तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।
कार्य क्षेत्र में आज आपको लगेगा कि आपका व्यवसाय बढ़ रहा है, ये सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, भविष्य में इससे आपके बहुत लाभ होंगे। अचल संपत्ति जो विवाद में फंसी थी, आज के दिन उसका निपटारा निश्चित रूप से होने की संभावना है। ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी है क्योंकि निकट भविष्य में जमीन की कीमत काफी बढ़ सकती है। हेल्थ के मामले में आज आप खुश हैं, सब आपके अनुसार चलेगा। अपनी इच्छा और संयम से आप खुद के लक्ष्य को और कंपनी के लक्ष्यों को भी प्राप्त करेंगे। इस समय आप कुछ व्यायाम करें और खुद को स्वस्थ रखें। आज अपने भाग्य को अच्छा करने के लिए हरे रंग का कुछ पहनें। शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक का समय आपके लिए शुभ रहने के संकेत हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। प्रिय कुंभ राशि के जातक, आज आपको अपने संयम बनाए रखना चाहिए ताकि मेष राशि में चंद्रमा की उपस्थिति से जीवन में आई छोटी छोटी परेशानियों से आप अग्रेसिव ना हो जाएं। आप अपना आपा खोने के लिए थोड़ा अलग महसूस कर सकते हैं। आपको इस स्थिति पर ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको कभी भी ये एहसास नहीं होगा कि ये चुनौतियाँ अंततः आपको संभावनाओं के साथ पेश करेंगी या नहीं। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी आपको सलाह देते हैं कि आप नज़र कुछ बड़ा करने पर रखें और जीवन के सभी अच्छे पलों की सराहना करें। लव लाइफ में आपके संबंधों में पिछले कुछ समय से कोहरा छा गया है। आप व आपका साथी मानसिक तौर पर साथ नहीं हैं। आज आपको अपने प्रयासों द्वारा संबंध सुधारने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आज आपको एहसास होगा कि आपको जो सफलता प्राप्त करते हैं उसका सीधा संबंध आपकी मेहनत से होता है। अपनी मेहनत से आप अपने करियर को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज अगर आप अपने काम को मेहनत से करते हैं तो भविष्य में आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। यदि आपके पास व्यावसायिक संपत्ति है और आप उसे बेचना चाहते हैं तो आज का दिन संपर्क करने का दिन है। वास्तविक रूप से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। आप अपनी आंखें खुली रखें एवं अपनी व्यावसायिक गतिविधियां जारी रखें। आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि संभावनाएं किस दिशा से आ रही हैं। आज हेल्थ में आप काफ़ी अच्छे रहेंगे, जिंदा दिल फील करेंगे, ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। सब कुछ आसानी से होगा। सुबह 11 बजे से 12 बजे का समय आपके लिए शुभ रहेगा। सफ़ेद रंग आज आपका लकी कलर होगा। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। प्रिय मीन राशि के जातक, चंद्रमा का मेष राशि में गोचर आपको खुश और संतुष्ट महसूस करा सकता है। आज आपको महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ क्लैरिटी प्राप्त होगी। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का कहना है कि मुश्किल समस्याओं का समाधान भी स्पष्ट होगा। आप आश्वस्त रह सकते हैं कि आपकी स्पष्ट सोच आपको उपलब्धि की ओर ले जाएगी। निजी समस्याओं से निपटने और अपने घर में सहयोग को बढ़ाने के लिए आज का दिन अच्छा है। आज प्रेम के क्षेत्र में आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी आप उम्मीद कर रहे थे। अपने परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताइए। घबराइए मत, कठिन समय समाप्त होने ही वाला है। आप लगातार अपने करियर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि इसके लिए आप ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करना शुरू ना करें। आप पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है और आप कुछ थका हुआ महसूस करने लगे हैं। संतुलन बना कर रखें। अगर ज़रूरत हो तो काम को पूरा करने के लिए आप थोड़ा और समय भी मांग सकते हैं। अचल संपत्तियों से जुड़े व्यावसायिक निवेश व्यर्थ नहीं जाते। अब उचित समय आ गया है जब आप अपने पारिवारिक भूखंड को सही ढंग से बेच दें, क्योंकि यदि आप उचित खरीदार का चुनाव कर लें तो ये आपके लिए एक बड़े लाभ का स्रोत बन सकता है। हेल्थ की बात की जाए तो आज आप खुश हैं, जिससे दूसरे भी खुश हैं। ये एक तोहफा है, इसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई में करें। आप यह अनुभव नहीं करते परंतु आप दूसरों के लिए बहुत महत्व रखेंगे। आपका दिन का सबसे अच्छा समय 5:30 से 6:30 का समय है। बैंगनी आपके लिए बहुत शुभ रंग है। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रोयोगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रोयोगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रोयोगी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानना चाहते हैं आने वाला साल 2024 आपकी राशि के लिए
क्या कुछ लेकर आया है। तो जल्दी से डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप और वहां जाकर आप अपना राशिफल 2024 देख सकते हैं, या फिर आप एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल पर भी अपना राशिफल 2024 देख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से देख लीजिए। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉगिन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।